हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आप लोग पढ़ते रहो, बाकी हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके, हजार वाला काम मेरे को से है भाई। देखो, अगर आप कोई अच्छा काम करोगे ना तो लोग उसमें अड़ंगा लगा देंगे। ठीक है, जैसे आप किसी जैसे पढ़ाते हैं कुछ करते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। ठीक है, अपने धुन में मस्त, आराम से मस्त पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहो। तो बेटा अपने हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स। कह रहे हैं कि हमको ये दे रखे हैं भाई, ईच मतलब कह सकते हो, यहाँ अब हमने एक लिखा है तो हो जाएगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस हमको दे रखा है। भाई ये रूट टू में क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरोस हमको दे रखा है। तो भाई हम मान लेंगे कि लेट लेट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, देखो होता क्या है, लेट लेट द जीरोस जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, अगर हम अल्फा एंड बीटा मान लें। तो देखो होता, नियम क्या होता है कि अगर आपको भाई हमको यहाँ सम दे रखा है, भाई रूट टू कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज है 1/√3, क्या बेटा है ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका हो जाएगा। तो हमको गिवन क्या रखा है, अल्फा प्लस बीटा हमको ये रूट टू दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा भाई कुछ क्वेश्चन में लिखा गया है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, मतलब ये सम हो जाएगा या आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा हमको दे रखा कितना दे रखा है, 1/√3 हमको दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आपको जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट पता हो तब आप इक्वेशन कैसे निकालोगे? यहां देखो लिखोगे कि क्या निकालना है, फॉर्मूला फॉर्मूला टू फाइंड, फॉर्मूला टू फाइंड क्या फाइंड करना है, द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। भाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखो अगर आपको निकालना है तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है पहले यहाँ देखो, एफ एक्स आपका ऐसे रहेगा रहेगा। तो देखो होता क्या है, x² माइनस का, तो देखो इस आपका रहेगा माइनस क्या जाएगा, अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। भाई इसको हम क्या लिखते हैं, x² माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स को फिर आपका हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपका यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, x² ऐसे रहेगा। ये बेटा ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, √2 यहाँ पर आपकी एक्स आ जाएगी, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, प्लस का √3 आपकी ये आ जाएगी। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो, चाहो तो इनका क्रॉस इनका एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो एफ एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये कितना आ जाएगा, √3 इंटू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बस ये सॉरी कितना माइनस यहाँ आ जाएगा। भाई √3 का मल्टीप्लाई हमने ऐसे किया था, आपका √3 x² आपका आ जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे -2√ से करेंगे तो जाएगा माइनस का 6x आ जाएगा, और प्लस का 1 आपका ऐसे रहेगा, अब पूरे के अपान में रूट से लिखा रहेगा। ठीक, तो इसको हमने क्या देखो, एफ एक्स आपका ऐसे यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। अब इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे, देखो 1/√3 ये आपका ऐसे हो जाएगा, और इधर क्या लिखा जाएगा, √3 x² माइनस का कितना जाएगा, x² माइनस का √ ये एक्स, और प्लस का आपका ये 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो भाई, इसको अगर हम ए मान लें तो फॉर्म क्या जाएगा, तो क्या जाएगा, ए मान लो इसको भाई, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, मान करके अब क्या जाएगा, ये आपका ऐसे लिखा जाएगा माइनस का √6 x, और प्लस का ये आपका ये 1 आ जाएगा। ये बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपका आ जाएगा। हमसे क्या भाई, हमसे ये पूछा गया था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, भाई इसको ये सब मानक रूप नहीं होता, इसको हमने ए में मान लिया। ठीक, यहाँ हमको लिख लेना, लेट क्या लेट किए हैं, √1/√3 को हमने ए यहाँ मान लिया है। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।